वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम पृथ्वीराज राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल एट इन इंडिया। तो दोस्तों, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि आप भी अगर फिनो पेमेंट बैंक के बीसी मर्चेंट हैं तो आपने भी अगर बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो बिजनेस लोन आपने जो अप्लाई किए उसका लोन एप्लीकेशन स्टेटस आप जानना चाहते हैं तो उसको आप कैसे जान सकते हैं, पूरा हम डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों बिना देरी के अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं आ गया अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको पार्टनर फिनो पेमेंट बैंक लिख के आपको सर्च मार लेना है। जैसे सर्च मारेंगे दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो फिनो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपको क्लिक कर लेना है। ये बीसी मर्चेंट पोर्टल है, यहीं से आपका लोन प्रक्रिया होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास अपना यूजर आईडी मर्चेंट आईडी डाल लेना है, उसके बाद यहाँ पास कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने देख सकते हो ये जो है बीसी मर्चेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पास बिजनेस लोन का ऑप्शन है, यहाँ पास देख सकते हो बिजनेस लोन का ऑप्शन आएगा आपके में, जो आपने बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किए हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बताया दोस्तों कि आप कैसे अपना बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक से, जिसका हम पूरा डिटेल से वीडियो बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो प्रक्रिया है आप करेंगे, तो दोस्तों यहां पास हम आज दिखाए रहे हैं अप्लाई न्यू लोन के लिए अप्लाई करना है तो इस तरीके से आपको यहां पास चेक मार्क लगा के इंडिफी जो है कंपनी, इसके थ्रू आपको लोन प्रोवाइड हो रहा है, इसके माध्यम से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने लोन अप्लाई कर चुके हैं तो देख सकते हो आपके सामने ये जो है ईमेल आईडी है, जो इंडिफी की तरफ से एप्लीकेशन आईडी कंप्लीट योर लोन एप्लीकेशन लोन आईडी देख सकते हो, ये लोन आईडी प्रोवाइड किया जाएगा जो वहाँ पास आपका एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो कंप्लीट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पास कंप्लीट योर एप्लीकेशन में जाके अपना जो है एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी डाटा अगर नहीं भरा गया है, पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स तो ये नहीं भरा है, तो यहाँ पास आप कंप्लीट योर एप्लीकेशन में जाके आप भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप ये जो है क्लिक करेंगे यहाँ पास कंप्लीट योर एप्लीकेशन में, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमने पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पास फिलअप कर लिए हैं, साथ में दोस्तों अपना बिजनेस डिटेल्स जो है उसको भी हमने फिलअप कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पास आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। अभी तो फिलहाल इसमें दोस्तों कुछ अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं आया है, अगर मैं जहाँ तक भरा हूँ इसको लोन के लिए इंडिफी में, तो यहाँ पास आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो सेविंग योर डाटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास यूज़र हैज़ सबमिट सेम डाटा टू बी प्रोसेस्ड, तो यहाँ पास दोस्तों बोला जा रहा है कि आपने जो डाटा यहाँ पास सबमिट कर रहे हैं वो पहले से ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, मतलब सेम डाटा यहाँ पास सबमिट नहीं हो सकता। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने ये डाटा जो है सबमिट कर चुका है और यहाँ पास मेरे को चेक करना है लोन का एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, अभी तक मैंने अप्लाई किया है वो लोन एप्लीकेशन क्या दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको लोन आईडी का यहाँ पास ज़रूरत पड़ेगा, तो आपके ईमेल आईडी में जब आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर लेंगे फिनो पेमेंट बैंक से, तो आपकी ईमेल आईडी पे ये जो है लोन आईडी आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पास लोन आईडी है ये आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी मैसेज के थ्रू आ जाएगा, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पास देख सकते हो, जब आएंगे अपने होम पे फिनो पेमेंट बैंक के बीसी मर्चेंट पोर्टल पे, तो यहाँ पास बिजनेस लोन का ऑप्शन है, इस पर आपके आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास तीन ऑप्शन आएगा, तो चेक माई लोन एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास अपना जो है हमने कॉपी किया लोन आई डी, उसको यहाँ पास डायल कर लेना है। उसके बाद गेट स्टेटस पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पास देख सकते हो लीडर आईडी, ऑफर अमाउंट, ऑफर सेल, यहाँ पास देख सकते हो ऑफर इंटरेस्ट रेट, ये सभी प्रकार के जितने भी ऑप्शन हैं ये आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पास किसी में भी ऐसा कोई संख्या नहीं डला है कि आपको कितना लोन प्रोवाइड किया गया है, कितना ऑफर में इंटरेस्ट मिला है, या यहाँ पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब कि दोस्तों, लोन हालांकि इसके लिए अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है फिनो पेमेंट बैंक से बिजनेस लोन, लेकिन इसमें अभी कुछ इरर आ रहा है, कुछ परेशानी आ रहा है। इसको आप अच्छे से अब जानना है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ये जानकारी ले सकते हैं। अगर हमने यहाँ पास फिनो पेमेंट बैंक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिसमें हम सेटलमेंट करते हैं उसमें भी जाके क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पास सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पास डोमेन स्टेटस अपडेट है। उसके बाद यहाँ पास दो ऑप्शन और आ रहा है, तो यहाँ पास हम दोनों तीनों ऑप्शन पे जा जाके हम देखते हैं कि यहाँ पास स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है, इसके बाद हमें समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पास स्टेटस अपडेट पे क्लिक करते हैं, देख सकते हो ये लोडिंग ले रहा है।
तो यहाँ पास देख सकते हो कि नॉट प्रोसीड फॉर सर्विस रिक्वेस्ट, तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पास भी ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है अपना, हमने जो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किए हैं वो। तो दोस्तों ये आप अपना स्टेटस चेक करते रहें और आपका अप्रूवल हो जाएगा, जो जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा वो अपलोड करें। अगर दोस्तों आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए ये बिजनेस लोन के लिए तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।